कोरोना संकट में कांवड़ यात्रा को परमिशन दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने सरकारों को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को अनुमति दिए जाने को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले पर 16 जुलाई को फिर सुनवाई करने का फैसला लिया है। पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद। दानिश, कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच कांवड़ यात्रा की परमिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, यानी एक बात तो तय है कि कांवड़ यात्रा करने वालों को सतर्क हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि नोटिस जारी करने के साथ क्या कुछ टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटा कॉग्निसेंस लेते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से फ्राइडे तक जवाब मांगा है कि एक कोविड की सेकेंड वेव के बीच में जब सिचुएशन देश में कंट्रोल होती हो रही है तो उस टाइम पे कांवड़ यात्रा की अनुमति कैसे दी गई है, क्योंकि कल उत्तराखंड सरकार ने साफ कह दिया था कि वो कांवड़ यात्रा अपने स्टेट में नहीं करेंगे। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी बोली कि जब नेबरिंग स्टेट उत्तराखंड ने साफ मना कर दिया है कि वो कांवड़ यात्रा को होस्ट नहीं करेंगे तो यूपी सरकार ऐसे क्यों कर रही है। तो ये एक मेजर जवाब है जो यूपी सरकार और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, और ये एक काफी उचित समय में आया है क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं कि तीसरी लहर की बात हो रही है, और साथ ही साथ सरकार की भी कल वार्निंग आई है कि देश के नागरिकों को कोविड की थर्ड वेव को एक वेदर बुलेटिन की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस आने वाली थर्ड वेव के लिए सतर्क रहना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में हिल स्टेशन पर जिस हिसाब से क्राउड जमा हुआ है उसी के चलते पीएम मोदी ने भी ये ट्वीट करते हुए कहा था कि हिल स्टेशन पर जितने लोग जा रहे हैं उनको सतर्कता पूरी दिखानी होगी। लेकिन जहां तक कांवड़ यात्रा की बात आती है तो कांवड़ यात्रा में लगभग करोड़ों लोग हरिद्वार जाते हैं, तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटा कॉग्निसेंस लिया है, केंद्र सरकार और यूपी सरकार से जवाब मांगा है कि ऐसा कैसे अनुमति दी गई है। और अगली सुनवाई इस फ्राइडे को होने जा रही है, तो काफी एक बड़ा मामला है और हम उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी ओर पर एक मेजर डायरेक्शन आ सके। बिल्कुल, यानी जो लोग कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार करें और उसके बाद भी किसी तरह का फैसला लें। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए।